उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव विदह में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने स्वर्गीय कैप्टन कामता प्रसाद की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कर जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि आज प्रदेश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किसानों को धमकी देकर केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र ने किसानों को रौंदा है और किसान आज पिछले 10 महीनों से धरने पर बैठा है, लेकिन उनका हालचाल जानने के लिए एक बार भी केंद्रीय मंत्री ने सहमत नहीं उठाई। वहीं उल्टा कुछ दिन पहले एक जनसभा के दौरान किसानों को धमकी देकर अपने पुत्र के द्वारा गाड़ी से किसानों को कुचलवा दिया गया। प्रदेश में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और मांग करती है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर उनके पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। फर्रुखाबाद से संवाददाता समी उल्ला खान की रिपोर्ट। अब सरकार जो चाह रही सो प्रशासन तो करता है, कर रही है, आपकी पार्टी किसानों के प्रति क्या संवेदना, किस तरीके का आगे अगर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की? हम किसानों के साथ हैं। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं अभी तक देखिए, जो धरने पर 10 महीने में बैठे हैं 500 से ज़्यादा किसान की मौत हो चुकी है और ये जो यहाँ पर लखीमपुर खीरी में फिर हो गई है, हम किसानों के साथ हैं और अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अच्छा, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? जिस तरीके से आपको भी दीवार फान के, इतनी उम्र के दौरान दीवार फान के जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं नेताओं को दबाया जा रहा है, पूरी तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अच्छा बताओ, हमारे साथी मदद न करते तो हमारे तो हाथ पैर टूट जाते। नहीं तो कुल मिला के आपको भी कूदना पड़ा, ये स्थिति आ रही है। हमारे साथियों ने मदद कर दी, इधर से उठाया उधर से ले लिया, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए। तो वही तो बता रहे, जाना ही पड़ेगा। अब जाएंगे हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग, चुप नहीं बैठे, चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, तो हम किसानों के साथ हैं और अगर ऐसी घटना होंगी तो बिल्कुल चाहे जेल जाना पड़े, हम लोगों को धरना प्रदर्शन आंदोलन खड़ा करें। कांग्रेस लखीमपुर कांड पे जो देखिए, जो केंद्रीय राज्य मंत्री गृह, उन्होंने 3 दिन पहले याद करो क्या बोला था, किसानों से क्या बोला था याद करो, याद तो धमकी दी थी, सबसे पहले धमकी दी थी कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिया जाओ, ये तो दिया। बताओ मंत्री का कर्तव्य क्या है? शपथ जब लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं, शपथ देख लेना क्या क्या लेते हैं। तो शपथ का तो एक उल्लंघन किया, किसानों को जो शांत तरीके से 10 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं 10 महीने से, नहीं तो देखिए कांग्रेस ने, मैं तो कहेंगे प्रियंका जी ने ठीक काम किया, जो इस मुद्दे को उठाया ठीक काम किया है, सब लोगों को उठाना चाहिए। हमने भी दिवाले कूदी हैं, हम भी गए हैं, गिरफ्तारी जरूर हो गई है, गठबंधन को लेकर अगला स्टेप क्या है? जब उनके 2 मुख्यमंत्री थे आ गए, उन्होंने आर्थिक मदद भी कर दी, हम लोग सरकार में आएंगे हम लोग भी मदद करेंगे। गठबंधन को लेकर अगला स्टेप क्या, कोई मीटिंग हो रही है? जानकारी हम देखिए मिलने गए आगरा में कमलेश पाठक MLC, हम गए विजय मिश्रा MLA भदोई ज्ञानपुर, उनसे मिलने गए, अनुपम दुबे से मिलने गए, सब बदले की भावना से काम हो रहा है, बदले की भावना से। किसी ने सारा कर दिया कि ये जल जाएंगे तो हम हार जाएंगे, तो ऐसी तरीके से बदले की भावना से काम। पीड़ित हुए थे सर, उन्होंने तो बीजेपी का कैंडिडेट को ही जिताया था यहाँ फर्रुखाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष में, तो वही तो गलती से करी, वही तो गलती हुई है, उसी का तो भोग रहे। ऐसे दबे कुचले जो लोग हैं जिनके ऊपर फर्जी FIR हो रही है, सब प्रताड़ना हो रही है, तो क्या इनको आने वाले समय में आप पार्टी में साथ में लेंगे क्या फिर? किसको? जो भी जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर FIR हो रही है, जिनसे आप मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे जो उत्पीड़न जिनका जिनका हो रहा है। हमने कहा कि सभी समान विचारधारा की पार्टियाँ, हमने कहा सभी सेकुलर पार्टियाँ सब इकट्ठी हो जाए, अच्छा पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, जो
जितने लोगों के साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, परेशानी में सब इकट्ठे हो गए। जब किसान शांत तरीके से, देखिए लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में धरना प्रदर्शन ये तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये तो 10 महीने से बैठे हैं। पहले तो ये किसान विरोधी कानून है, जो 3 बिल पास हुए हैं, ये किसान विरोधी बिल पास हुए हैं उसकी वजह से, और सीधा सीधा किसानों की खेती पर भी हमला है, ये भी पूंजीपतियों को देने जा रहे हैं। तो जब पूंजीपतियों को देने आएंगे तो किसान तो मजदूर बन के रह जाएगा, मजदूर बन जाएगा पूंजीपतियों का। तो इसलिए किसान 10 महीने से जब शांत तरीके से धरने पर बैठा है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री को तो जाना चाहिए था, वहाँ बैठता धरने में, आश्वासन देता, नहीं कर सकता था तो वो धमकी देता, और धमकी देने के बाद फिर उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी, किसान मारे गए। तो सबसे पहले तो मंत्री को बर्खास्त, फिर उसके बेटे को गिरफ्तार, ये होना चाहिए। चाचा एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, आपने भी इतिहास में ऐसा नहीं देखा होगा, कभी 302 में नोटिस दे के, दो दो नोटिस दे के आरोपी को बुलाया जाए, सम्मान दे के बताओ बुलाया जा रहा है, बैकडोर सीधा सीधा बताओ, सीधा सीधा जेल भेजना चाहिए था, कार्रवाई करना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था। तो क्या लग रहा है सरकार और जो प्रशासन है, इसका सब कुछ मिली भगत गढ़।